मैया बोलो सीताराम 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 गुरु जी हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगता है और और हमारे हमारे बड़े सार मैडम जी हर त्यौहार आते हैं हर बहुत खुशी मनवाती हैं सब प्रोग्राम करवाती हैं हमें अच्छा लगता है जी और मैं सर एक मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस बात से के कहीं भी बाहर जाते हैं तो कहीं भजन भाव होते पूछते हैं तो जैसे कुछ बात पूछन लगते कि जो भगवान और राधे कृष्ण थे वो फूल था वो बाग में घूम रहे थे तो उनने पूछा कि जी कौन सा फूल है तो वो फूल कौन सा था कि जो भगवान ने नाम नहीं लिया था कौन सा फूल था कि भगवान ने नाम नहीं लिया जी महाराज केतकी का फूल ठीक है कथा सुनते हैं आप कथा सुनते जी, हैं जी अच्छी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है आपने क्या गलती की कि आप जेल आ गए? गुरुजी मारा जब गलती तो वो जानता है ऊपर वाला हम तो कुछ नहीं जानते हमारे पति बहुत दारू पीते थे बहुत मारपीट करते थे आपके साथ जी जी तो हम एक दिन माय के चले गए तो हमारे लड़का ने दस बारह साल का था तो उनको खूब मारा पीटा तो हमसे कहले चलो जाके कंप्लेन करा इतना मारा पीटा तुम अब तुम हम तो भोग रहे पंद्रह साल तो पति ने मारा बच्चे को नहीं बच्चे ने पति को मारा अच्छा बच्चे बारह साल के बच्चे ने मारा पति को जी सर अच्छा फिर तो हम, हम तो अब भोग रहेंगे तो कोई बात नहीं है कि अब हमारे कभी जब बच्चे के हाथ से मर जाएगा तो हमारा बच्चा जेल चला जाएगा इसलिए हमने कह दी कि वो उनका कोई दोस्त था तो वो दारू उधर दवाई पी पीते थे उधर छुटाने की तो हम कि आप चले जाओ तो वो चले गए तो उधर जान के उनने और दारू पी लड़ाई कर ली तो वो वहां खत्म हो गए तो देवर जेठों ने हमें फंसा दिया देवर जेठ ने फंसा दिया जी सर कि इन्होंने मार दिया जी सर और वो मरे अपनी मौत से जी सर तो बड़ा गलत है भाई कोई फंसा देता है कैसे तो सबूत गवाह जो होते हैं वो देखे नहीं जाते क्या सर वो उधर ग्वालियर तैयार गए थे दारू की दवाई पीने उधर उन उनके साथ काम करते थे जने तो उनके साथ गए थे तो उधर देवर जेठों ने लगा दिया कि इनने मरवा दिया तो फर्ज अच्छा, चलो भगवान सुखी रखे आप सबको और किसका प्रश्न है इस तरफ ले जा पीछे बहन राधे राधे गुरु जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आपको कोटि कोटि प्रणाम खुश गुरु जी मेरा आपसे प्रश्न है कि मतलब मैं कुछ अच्छा करती हूँ उसका मुझे उल्टा परिणाम क्यों मिलता है क्या अच्छा किया आपने और क्या उल्टा मिला कुछ भी मतलब जो आपका कहना हमने माना हाँ। फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ और जो आप कहते हैं कि भगवान को माना करो भगवान को मानते हैं पूछते हैं जो बनता है मतलब अपनी श्रद्धा से भक्ति से जितना आता है जितना मानते हैं उतना हम करते हैं फिर भी हमारे साथ उल्टा परिणाम मिलता है क्या उल्टा मिला वही तो हम पूछ रहे हैं गुरु जी हमने माँ बाप के कहने से मतलब पापा मम्मी के कहने से हमने शादी की शादी ठीक है जी फिर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे क्या तो हो गया पति के साथ किसी ने उनका मतलब मर्डर कर दिया था किसी ने मर्डर क्यों मार दिया उनको गुरु जी हम हम तो नहीं जानते इस बात को पर ससुराल वालों ने हमारा नाम लिया तो स, मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे भगवान तो देख रहा है ना वो कैसा न्याय करने वाला हमारा किस, हमारे अच्छा, साथ किसी और पति को मारा और नाम आपका लगा दिया और आप जेल आ गए तो कितने साल से आप जेल में है गुरु जी मुझे सात महीने हुए सात महीने तो के, अभी सजा कितने समय तक और रहना है गुरु जी हमारी जिंदगी का क्या है अब आज ही दिया है हमा, हमारा तो क्या है हमारे तो माँ बाप भी हमसे चिन्ह गए हम किसके भरोसे रहेंगे सही सही है सही है ए, और कल हम निकलेंगे तो हमें कौन अपनाएगा किसके भरोसे रहेंगे हम सही है कौन अपनाएगा बात ठीक है लेकिन आपने जब किया ही नहीं तो आप तो दोषी है ही नहीं ना तो यही तो मैं कहती हूँ गुरु जी की आपका कहना है की जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है कि भगवान देखता है तो फिर हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? चिंता ना करिए ये किसी और जन्म का किसी और जन्म का प्रारब्ध है जो आपको भोगने को मिल रहा है और जेल से सजा पूरी होने के बाद अपने आप भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे कोई ना कोई आपका निश्चित ही आपको भगवान किसी न किसी रूप में मिल करके और आपका सहयोग करेंगे जी गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहिए